have taken the live classes, and in that session we have completed our every chapters including the subject enrichment and activity part. So now our course is completed, and in that live classes we have also revised one of the chapter, that is verbs. So today we are going to revise a chapter of English literature, that is chapter number 17, if we didn't have birthdays. If we didn't have birthdays, matlab agar hamara birthday na ho to. So this is the poem written by Dr. C.S. ये पोयम है जिसे डॉक्टर सीएस ने लिखा है, एंड ही हैज रिटन कि अगर हमारा बर्थडे ना हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. सो इफ वी डिडंट हैव बर्थडेज, अगर हमारे बर्थडे ना हो तो ये हो सकता है कि हमारा जन्म ही ना हो, और अगर हमारा बर्थडे ना हो तो ये हो सकता है कि हम हो ही ना, हमारा कोई वजूद ही ना हो. और If we didn't have birthdays, we might be a fish. अगर हमारा बर्थडे ना हो तो ये हो सकता है कि हम फिश हो, और किसी रूप में हम हो सकते हैं, फिश हो सकते हैं, we can be a toad, हम toad हो सकते हैं, हम door knob हो सकते हैं, we can be a three baked potatoes, हम three baked potatoes हो सकते हैं, पके हुए आलू हो सकते हैं, या फिर हम एक bag जो कि green tomatoes से भरा हुआ है, हम वो भी हो सकते हैं. या हो सकता है कि हम कुछ ना हो. सो वी हैव गॉट अ प्लीजेंट लाइफ, हमें एक लाइफ मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, अपने में ही बहुत अच्छी चीज है कि हम ना फिश है ना टोड है, इस तरह की चीजें हम नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है, नहीं नहीं, हमें एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिली है विच इज वेरी मच प्लीजेंट. सो डॉक्टर सीएस ने ये पोयम लिखी हुई है. नाउ आई विल रीड दी पोयम. सो All of you see in your book. If we didn't have birthdays, you wouldn't be you. अगर हमारा birthday ना हो तो हम नहीं होंगे. If you had never been born, well then what would you do? अगर आपका जन्म ना हुआ होता तो आप क्या करते? If you had never been born, well then what would you be? अगर आपका जन्म ना हुआ होता तो आप क्या होते? You might be a fish. आप fish हो सकते थे, और a toad in a tree. या फिर आप toad हो सकते थे. Toad is a frog-like animal. You might be a doorknob. आप doorknob हो सकते थे. Doorknob means जो doors में handle लगे होते हैं, उन्हें doorknob कहते हैं. और three baked potatoes, या फिर तीन पके हुए आलू भी आप हो सकते थे. You might be a bag full of hard-green tomatoes. आप जो है एक bag हो सकते थे जो कि ग्रीन टोमेटो से भरा हुआ है, और वर्स देन ऑल दैट, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बुरे आप हो सकते थे. और वर्स देन ऑल दैट, या उससे भी कहीं ज्यादा बुरे हम हो सकते. व्हाई यू माइट बी अ वर्जेंट, आप ऐसा हो सकता था कि हम कुछ भी ना हो, हमारा कोई वजूद ही ना हो. A wasn't has no fun at all. अगर ऐसा होता कि हम कुछ ना होते तो उसमें कोई भी fun, कोई भी मजा नहीं है. No, he doesn't. उसके पास बिल्कुल भी कोई भी मजा नहीं है. Because we have a life. अगर हम कुछ ना होते तो कोई भी उसमें fun ना होता. A wasn't just isn't. Wasn't कुछ है ही नहीं. It is nothing. He just isn't present. ये present है ही नहीं. इसका कोई वजूद ही नहीं है. Present ही नहीं है. But you. You are you, but आप हो, आपकी एक life है, you have got a pleasant life, and now isn't that pleasant, और क्या ये pleasant, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आपको एक अच्छी life मिली हुई है. And now we will come to the question answer part. Now the first question is, here's written, read the given lines and check the appropriate meanings. So it's saying कि इस लाइन को पढ़िए और अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए इसकी. सो द फर्स्ट वन इज, इफ वी डिडंट हैव बर्थडेज यू वुडंट बी यू. सो इट्स सेइंग कि अगर हमारा बर्थडे ना हो तो हम नहीं होंगे. वी हैव टू टेल द मीनिंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन, दैट इज इफ वी डिडंट हैव बर्थडेज यू वुड नॉट हैव बीन बोर्न. अगर हमारा बर्थडे ना होता तो हमारा जन्म ही नहीं होता. Now the next one is, a wasn't just isn't, he just isn't present.
And the correct meaning of this line is the first one, a wasn't means was not. Wasn't का मतलब होता है was not. It means there is nothing. इसका मतलब होता है वहां पर कुछ भी नहीं है. It is not there. वह वहां पे है ही नहीं. Now this question number 2 is complete these lines. So students, I have not written this poem here. You have to write the poem. You have to complete these lines by seeing the poem. आपको book में से अपने जो book में poem दी है आपकी उसे देखना है. You have to complete the poem. Now we will come to the question number 3. That is, what would have happened if you were never. क्या होता अगर आपका कभी जन्म ही ना हुआ होता तो. So the answer is, if I were never born, अगर मैं मेरा कभी जन्म ही ना हुआ होता, I might have been a fish, मैं एक मछली हो सकता था, a toad, और a toad या फिर एक toad हो सकता था. I also might have been a doorknob, मैं एक doorknob हो सकता था, और 3 baked potatoes या हो सकता था कि मैं 3 पके हुए आलू हूँ. I might have been a bag full of hard green tomatoes. या ऐसा हो सकता था कि मैं एक बैग जो कि टमाटरों से भरा हुआ है, ग्रीन टमाटरों से भरा हुआ है, वो मैं हो सकता. या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बुरा, worse than all, उनसे भी कहीं ज्यादा बुरा. I might have been a wasn't. या ये भी हो सकता था कि मैं कुछ भी ना हूं. और even I wouldn't be there. या हो सकता था कि मैं वहां पर हूं ही ना. So students, this is your chapter. Now the homework of yours is that you have to learn the poem and the question answer of this chapter, including the word meanings. So you have to properly learn the whole chapter, because at any day I can take your revision test of this chapter. Okay? Till that, thank you.